आज बनाया जाएगा गोश्त, वो भी बकरे का। इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, टमाटर है, मिर्ची है, अदरक, लहसुन और गोश्त और प्याज। सबसे पहले कुकर लेना। मैं जो ये रेसिपी बना रहा हूँ, ये थोड़ा सा आसान बनाने के लिए बनाता हूँ। ऐसे ये सब चीज़ें एक साथ तो डालने का, उसके बाद गोश्त, प्याज और टमाटर के बाद, उसके बाद गोश्त, गोश्त के बाद मसाला, मिक्स है गरम मसाला, काली मिर्च तकरीबन 2 चम्मच पड़े का डाल लें। उसके बाद 1/4 चम्मच हल्दी का और नमक जो है हसबे जायके डालना। अभी थोड़ा सा डालूंगा, उसके बाद चेक करूंगा अगर कम होगा तो। उसके बाद मैंने बना लिया था पेस्ट, इसका पेस्ट बनाया था इसका, हरी मिर्च और लहसुन और अदरक ये डाल देना इसका पेस्ट। ग्राइंडर में मैंने इसका ग्राइंड कर लिया, थोड़ा होता है क्या जल्दी तैयार हो जाता है कुछ नहीं। तकरीबन 1 कप चाय वाला जो है पानी डालना है, पानी ज़्यादा कुकर में नहीं डालना क्योंकि गोश्त भी पानी छोड़ेगा और प्याज और टमाटर भी छोड़ेगा। इसके बाद इसका बंद कर, इसको पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट। छोटे ही जानवर का है, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो पिघल जाएगा। उसके बाद इसको पानी थोड़ा खुश करके इसमें तेल डालेंगे, तेल डाल के थोड़ा उसको भूनेंगे और भून के अगर आपको शोरबा चाहिए तो पानी वाला चाहिए तो थोड़ा पानी डाल देना, अगर ऐसे चाहिए आपको ऐसे भी खा सकते हैं। गोश्त गल चुका है, अब इसमें हम लोग डालेंगे चम्मच जैत, जैतून मैंने डाला है। अब इसको कम से कम 5 से 10 मिनट भूनेंगे, तकरीबन काफ़ी पहुंच चुके हैं, 8 मिनट पर गया, 8 मिनट इन भुने, ठीक है। उनके बच्चों मैं कटिया से पहले खाऊँ पानी किसी के लिए कड़ लिया, थोड़ा शुरुआ रखने वास्ते पार चढ़ा वो डालेंगे, उसको भी 5 मिनट तक पकाएंगे। माशाल्लाह गोश्त बहुत ज़बरदस्त बनया, गोश्त भी बड़ा प्यारा सी, दुम्बे का गोश्त सी और छोटा जानवर सी, छोटी उम्र का, बहुत ही मज़ेदार बनया।
चलो 15 से 5 मिनट तो कम आके ठीक है। पनिशमेंट हो चुके माशाल्लाह। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, धो के इसको रखा हुआ था, माशाल्लाह तबारक। अब चूल्हा करेंगे इसका बंद, लेके आएंगे तंदूर की रोटी और उसके साथ खाएंगे, और आप लोग भी आ जाए। माशाल्लाह ताजा तमीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन बड़ा मजेदार बनिया और बहुत ही जल्दी बने, तकरीबन एक घंटा खाना ये तैयार हुआ। साथ में ताज़ा तमीज, आप लोग भी आ जाओ।